देश के स्मार्टफोन मार्केट में पिछले 5 सालों से एक चक्र राज करने वाली Xiaomi कंपनी को 2022 में अंत में गहरा झटका लगा है। पिछले 5 सालों से देश की नंबर एक मोबाइल कंपनी रहने वाली Xiaomi 2022 के फोर्थ क्वार्टर में नंबर एक से सीधे नंबर 3 पर पहुंच गई है। जिस कंपनी के मोबाइल पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे और सेल स्टार्ट होने के कुछ सेकंड के भीतर ही जिस कंपनी के मोबाइल सोल्ड आउट हो जाते थे, अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोगों का नंबर 1 कंपनी के ऊपर से भरोसा उठने लगा है और लोग Xiaomi का मोबाइल खरीदने से हिचकिचाने लगे हैं। कहीं Xiaomi भी हवाई HTC और जियोनी की राह पर तो नहीं जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रीजंस के बारे में जानते हैं जिसने भारत के Xiaomi की बादशाहत को खत्म कर दिया है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरर Xiaomi की स्थापना 2010 में चीन में ली जुन ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर की थी। अगस्त 2011 में Xiaomi ने चीन में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया जो देखते देखते पूरी चाइनीज मार्केट में छा गया। Xiaomi ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन लॉन्च करना शुरू किए और कुछ ही समय में ये कंपनी पूरे चीन में छा गई। लॉन्चिंग के 3 साल के अंदर ही 2014 में Xiaomi चीन की नंबर 1 कंपनी बन गई। चीन में नंबर 1 बनने के बाद अब Xiaomi ने अपना बिजनेस पूरी दुनिया में फैलाने का फैसला किया। कंपनी ने सिंगापुर में अपना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर खोला और वहीं से इस कंपनी के नए सफर की शुरुआत हुई। 2014 में ही Xiaomi ने इंडिया में भी अपना कदम रखा और आते ही इसके जलवे शुरू हो गए। कम प्राइस में बेहतर फीचर्स देने वाली Xiaomi के स्मार्टफोन को लोगों ने हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। Xiaomi ने बजट रेंज में इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च करने शुरू कर दिए कि मार्केट में बाकी स्मार्टफोन कंपनियों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होने लगा और माइक्रोमैक्स, लावा और इंटेक्स जैसी कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गईं। Xiaomi ने भारत में आकर भारतीय कंपनियों का ही खेल खत्म करके मार्केट में अपना जलवा कायम कर लिया। देखते ही देखते Xiaomi भी पूरे देश में छा गया। मोबाइल खरीदने वाले लोग बस MI नाम देखकर ही मोबाइल खरीदने लगे क्योंकि Xiaomi भारत के लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो चुकी थी। Xiaomi पर भारतीय लोगों के इसी भरोसे ने इन चाइनीज कंपनी को भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बना दिया। Xiaomi ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया को भी अपनाया और भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित किए। आज के समय में Xiaomi भारत में जितने भी स्मार्टफोन बेचती है उनमें से 99% स्मार्टफोन का निर्माण भारत में ही होता है, यानी ये सभी मेड इन इंडिया होते हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने की वजह से यहाँ नौकरियां भी पैदा हुई और लोगों को भी थोड़े सस्ते स्मार्टफोन्स मिलने शुरू हो गए। स्मार्टफोन मार्केट में अपने झंडे गाड़ने के बाद Xiaomi ने LED TV बनाना भी शुरू किया और स्मार्टफोन की तरह MI TV भी आते ही मार्केट में छा गई। 2017 में Xiaomi भारत के नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बन गई और तब से लेकर 2022 के थर्ड क्वार्टर तक Xiaomi भारत की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बनी रही। लेकिन 2022 के फोर्थ क्वार्टर में Xiaomi को करारा झटका लगा और ये कंपनी नंबर 1 से सीधे नंबर 3 पर फिसल गई। 2021 के फोर्थ क्वार्टर के मुकाबले 2022 के फोर्थ क्वार्टर में Xiaomi के स्मार्टफोन्स की बिक्री में 40% की गिरावट दर्ज की गई। किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ 1 साल के अंदर 40% की गिरावट बहुत बड़ी होती है। यही वजह है कि लोग अब इंडिया में Xiaomi को भविष्य को लेकर अटकलें लगाना शुरू कर चुके हैं। कैनडा के मुताबिक 2022 के फोर्थ क्वार्टर में 6.7 मिलियन स्मार्टफोन के बिक्री के साथ सैमसंग पहले स्थान पर, वहीं दूसरे स्थान पर वीवो ने कब्जा जमाया। इस दौरान वीवो ने अपने 6.4 मिलियन स्मार्टफोन बेचे। 5.5 मिलियन स्मार्टफोन बिक्री के साथ ही तीसरा स्थान Xiaomi को मिला। मार्केट शेयर के हिसाब से सैमसंग की हिस्सेदारी 21%, वीवो की 20% और Xiaomi की हिस्सेदारी 17% रही। अब सवाल ये है कि हमेशा की तरह शानदार फीचर्स वाले स्मार्टफोन लॉन्च करने के बावजूद Xiaomi इस बार पिछड़ कैसे गई? इंडिया में Xiaomi के पिछड़ने की वजह उसके स्मार्टफोन्स नहीं बल्कि Xiaomi का भारतीय कानूनों के साथ खिलवाड़ करने वाला रवैया है। जी हाँ, जो कंपनी भारत से हजारों करोड़ों रुपए कमा रही है वो कंपनी भारतीय कानून के साथ ही खिलवाड़ कर रही है। भारत में टैक्स बचाने के चक्कर में Xiaomi काफी सालों से अलग अलग हथकंडे आजमा रही थी लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ED को Xiaomi पर शक हुआ और फिर Xiaomi के खिलाफ जांच शुरू हुई। जांच शुरू होने के बाद जब शक सही निकला तब ED ने अप्रैल 2022 में Xiaomi कंपनी के लगभग 5500 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। 5500 करोड़ रुपए किसी भी कंपनी के लिए बड़ी रकम होती है और इससे कंपनी का भविष्य भी खतरे में आ सकता है। तो आखिर Xiaomi ने ऐसी कौन सी गलती की कि ED ने 5500 करोड़ रुपए जब्त कर लिए? दरअसल जब से Xiaomi ने इंडिया में अपना कदम रखा था तभी से वो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को चीन में मौजूद अपनी पेरेंट कंपनी Xiaomi कॉर्पोरेशन को तो भेज ही रही थी। लेकिन 2015 से Xiaomi 2 और कंपनीज को भी पैसे भेज रहा था और ये दोनों ही अमेरिकन कंपनी थी। किसी भी कंपनी को अपनी पेरेंट कंपनी को पैसे भेजना तो नॉर्मल है और ED को इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब ED को पता चला कि Xiaomi अपनी पेरेंट कंपनी को पैसे भेजने के अलावा अमेरिका की 2 कंपनी को भी समय समय पर पैसे भेजता रहता है। इन दोनों कंपनियों को Xiaomi इंडिया ने टोटल 5500 करोड़ रुपए भेजे थे। जब कोई कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी या पार्टनर कंपनी के अलावा किसी तीसरी कंपनी को इतनी मोटी रकम भेजे तो संदेह तो होता है। आखिर Xiaomi इंडिया ने अमेरिका की इन दोनों कंपनियों को इतने पैसे क्यों दिए? ED ने इसकी जाँच शुरू की। जाँच के दौरान जब Xiaomi इंडिया के काले कारनामे खुलने लगे तब ED ने Xiaomi इंडिया के 5500 करोड़ रुपए के एसेट्स जब्त कर लिए। ED की ओर से Xiaomi इंडिया पर आरोप
लगाया गया कि ये कंपनी टैक्स से बचने के लिए इन पैसों को अमेरिका कंपनी को भेजा करती थी। शियोमी इंडिया को शियोमी कॉर्पोरेशन से ये निर्देश मिलता था कि वो पैसों को इन दोनों अमेरिकन कंपनियों को भेजा करे। ईडी के अनुसार शियोमी इंडिया खुद के लाभ को कम दिखाने के लिए ये पैसे इन कंपनियों को दिया करती थी और फिर उन कंपनियों से ये पैसा सीधा शियोमी की पेरेंट कंपनी तक पहुंच जाता था, जिससे प्रॉफिट पर शियोमी इंडिया में टैक्स देने से बच जाता था। ये एक बड़ी टैक्स की चोरी थी जिसे शियोमी इंडिया बड़ी सफाई से कर रहा था। ईडी की ओर से शियोमी इंडिया पर टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितता का गंभीर आरोप लगाया गया। शियोमी इंडिया ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी ओर से सफाई भी दी। शियोमी इंडिया की ओर से जारी बयान के बाद अनुसार उसने अमेरिका की जिन दो कंपनियों को पैसे दिए थे उन दोनों ही कंपनियों से शियोमी ने टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आइडियाज लिए थे। इस आइडिया शेयरिंग के बदले शियोमी और उन दोनों कंपनियों में ये डील हुई थी कि उन्हें आइडियाज के बदले रॉयल्टीज दी जाए। इसी डील को ध्यान में रखते हुए शियोमी इंडिया इन दोनों कंपनियों को पैसे भेजा करती थी, लेकिन ईडी ने जब अपनी जांच में पाया कि शियोमी कंपनी ने इन दोनों ही कंपनियों से कभी भी कोई भी सर्विस नहीं ली थी तो फिर रॉयल्टीज देने की बात कहां से आती है। शियोमी अपने स्मार्टफोन में जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है वो या तो चाइना से आता है या फिर इंडिया में ही वो चीज डेवलप की जाती है, ऐसे में किसी दूसरे देश से कोई सर्विस लेने की बात नहीं आती है। पर यहां पर ईडी का एक और सवाल था कि मान लेते हैं शियोमी ने अमेरिका की इन दोनों कंपनियों से सर्विस ली और इस सर्विस के बदले शियोमी ने उन्हें पैसे दिए, लेकिन यहां उन दोनों कंपनियों को पूरे पैसे सिर्फ शियोमी इंडिया से ही क्यों दिए गए? जब शियोमी ने उन दोनों कंपनियों से सर्विस ली तो उसका उपयोग उसने अपने ग्लोबल प्रोडक्ट्स में किया होगा जिसका फायदा उसे पूरी दुनिया में मिला होगा, तो फिर पूरी दुनिया से मिले प्रॉफिट की कीमत सिर्फ शियोमी इंडिया के जरिए क्यों चुराई गई? इस आरोप पर शियोमी इंडिया ने खुद का बचाव करते हुए एक और बयान जारी किया जिसमें उसने सफाई दी कि शियोमी इंडिया भारत के नियम और कानून का पालन करते हुए काम करती आ रही है। शियोमी इंडिया ने अमेरिकन कंपनी से इन लाइसेंस्ड टेक्नोलॉजीज एंड आईपीज ली थी और इन दोनों ही चीजों का उपयोग सिर्फ इंडियन वर्जन प्रोडक्ट्स में ही किया गया था, इसलिए शियोमी इंडिया ने ही सारे पैसे अमेरिकन कंपनी को दे दिए। ईडी की जांच के अनुसार शियोमी इंडिया की ये सफाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, जिसके बाद शियोमी इंडिया पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA के तहत कार्रवाई करते हुए ईडी ने शियोमी के जब्त किए हुए पैसे अपने पास ही रखे। ईडी की ओर से होने वाली कार्रवाई को रोकने के लिए अक्टूबर महीने में शियोमी इंडिया कर्नाटक हाई कोर्ट गई, जहां उसने FEMA के तहत ईडी की ओर से की गई कार्रवाई को चुनौती दी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ईडी के इस कार्रवाई को सही माना और इस पर कोई सुनवाई करने के बजाय शियोमी इंडिया को FEMA के अंडर कंप्लेंट अथॉरिटी से संपर्क करने को कहा। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया कि शियोमी इंडिया के जब्त किए गए पैसे अभी जब्त ही रहेंगे और शियोमी इंडिया को अब भारतीय कानून के अनुसार कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। अब देखना यह है कि क्या शियोमी इंडिया कानूनी पचड़े में फंसकर भी इंडिया में अपना बिजनेस बनाए रखती है या फिर ये कंपनी भारत में अपना बिजनेस समेट कर चली जाती है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। हमारी आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।